मेरे प्यारे दोस्त, बैक हंटर्स या फिर सोशल प्रेडिटर्स उन शिकारी जानवरों को कहा जाता है जो हमेशा ग्रुप बना कर रहते हैं और शिकार भी ग्रुप में ही करते हैं। शिकार करते समय ये जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे शिकार करने में इन्हें आसानी होती है और ये बहुत ही कम बार फेल होते हैं। आप लोग ये तो जरूर जानते होंगे कि लायन हमेशा झुंड में रहते हैं और इनकी झुंड को प्राइड कहा जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टाइगर भी झुंड में रह सकते हैं और इनके झुंड को भी एक सोशल नाम दिया गया है। अगर आपको पता है कि वो नाम क्या है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि झुंड में शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 7, चित्ता कॉलिशन। मेरे प्यारे दोस्तों, चित्ता के झुंड को कॉलिशन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक कॉलिशन में सिर्फ मेल ही चित्ता होते हैं, क्योंकि फीमेल चित्ता सॉलिटरी होती है, यानी कि वह अकेली रहती है और शिकार भी अकेली ही करती है। वो बस मेटिंग सीजन के दौरान मेल चित्ता के साथ रहती है और इसके बाद वो अपने बच्चों को भी अकेले ही पालती है। लेकिन मेल चित्ता को झुंड में रहना पसंद होता है। एक कॉलिशन में आमतौर पर 2 से 4 मेंबर होते हैं और वो सभी सिबलिंग्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के भाई होते हैं। जंगल में आपको शायद ही ऐसा कोई नर चीता देखने को मिलेगा जो अकेला रहता हो, और अगर वो अकेला रहता भी है तो उसके जिंदा रहने के चांसेस बाकियों से कम होता है। जब चीता अपने यंग एज में पहुंच जाता है तब ये अपनी माँ को छोड़कर अपना एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। एक कॉलिशन में मौजूद सभी चीता पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये एक साथ शिकार करते हैं और खतरे के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लायन और लेपर्ड क्षेत्रीय होते हैं और ये दूसरे लायन और लेपर्ड को अपने इलाके में घुसने नहीं देते, लेकिन चीता का बिहेवियर ऐसा नहीं है। ये दूसरे चीता को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। ग्रुप में शिकार करने की वजह से इनका सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा है और ये लगभग हर बार शिकार करने में कामयाब होते हैं। नंबर 6, पिराना शाउल। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आप ये पहले से ही जानते हैं कि पिराना ग्रुप बना कर रहते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पिराना के ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसे शाउल कहा जाता है। पिराना अपने तेज धार वाले दांतों के लिए जाने जाते हैं, जिनकी मदद से ये कुछ ही सेकंड्स में अपने शिकार के टुकड़े कर देते हैं। इनफैक्ट पिराना शब्द का मतलब ही होता है टूथ फिश। पिराना के एक शाउल में कम से कम 20 पिराना होती है और इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। पहले ऐसे माना जाता था कि पिराना ग्रुप बनाकर इसीलिए रहती है ताकि वो आसानी से शिकार कर सके, लेकिन एक नए स्टडी के मुताबिक पिराना शिकार करने के लिए नहीं बल्कि शिकारी से खुद को बचाने के लिए ग्रुप बनाकर रहती है, क्योंकि ज्यादातर पिराना कार्निवोर्स नहीं होते, यानी कि ये दूसरे जीवों का शिकार नहीं करते और सिर्फ पेड़ पौधे और नट्स खाते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रुप बना कर रहते हैं। पिरानाज में रेड ब्लिक पिराना और ब्लैक पिराना को इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इनके जबड़े काफी ताकतवर होते हैं और इनके दांत बाकियों से बहुत ही शार्प होते हैं, इसीलिए इन्हें कई जगहों पर बैन किया गया है। नंबर 5, वाइल्ड डॉग्स पैक। मेरे प्यारे दोस्तों, वाइल्ड डॉग्स के ग्रुप को पैक कहा जाता है। हालांकि जंगल में रहने वाले दूसरे शिकारी जानवर जैसे हाइनास के मुकाबले ये साइज में काफी छोटे होते हैं, लेकिन जब ये ग्रुप में होते हैं तो बड़े से बड़े जानवर भी इनसे दूर ही रहते हैं। कई लोग तो वाइल्ड डॉग को जमीन पर रहने वाला पिराना भी कहते हैं। वाइल्ड डॉग्स काफी फुर्तीले और तेज होते हैं। ये जिस भी जानवर का शिकार करना चाहते हैं उस पर चारों तरफ से अटैक करते हैं, जिससे वो जानवर कंफ्यूज हो जाता है और किसी भी हालात में खुद को इनके हमलों से बचा नहीं पाता, इसीलिए ये लगभग हर बार अपने शिकार को मारने में कामयाब हो जाते हैं। वाइल्ड डॉग्स के बारे में सबसे अजीब और डरावनी बात यह है कि ये अपने शिकार को खाने से पहले उसके मरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि जैसे ही वह शिकार जमीन पर गिर जाता है तो ये उसे जिंदा ही खाने लगते हैं, क्योंकि इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये किसी टाइगर या लायन की तरह अपने शिकार को जमीन पर गिराए रखे। वाइल्ड डॉग्स के एक पैक में आमतौर पर 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें 40 से भी ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं।
एक समय ऐसा भी था जब इनके पैक में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से इनके पैक्स में मेंबर्स भी कम हो गए। नंबर 4, टाइगर स्ट्राइक या टाइगर एम्बुश। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइगर हमेशा अकेला रहता है और शिकार भी अकेला ही करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टाइगर झुंड में भी रह सकते हैं, और टाइगर की झुंड को टाइगर स्ट्राइक या फिर टाइगर एम्बुश कहा जाता है। जंगल में किसी टाइगर स्ट्राइक को ढूंढना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होते हैं, या फिर यूं कहे तो जंगल में देखने को मिलते ही नहीं, क्योंकि टाइगर स्ट्राइक अक्सर मैन मेड या अननेचुरल परिस्थिति में देखने को मिलते हैं। दरअसल जब कई टाइगर्स को एक साथ किसी सीमित जगह पर रखा जाता है, तब वह अकेले रहने के बजाय ग्रुप बनाकर रहने लगते हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को स्ट्राइक कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक टाइग्रेस और उसके बच्चे के ग्रुप को भी स्ट्राइक कहा जाता है, और शायद यही वो अकेला स्ट्राइक है जो हमें जंगल में देखने को मिलता है। नंबर 3, हाइना क्लेन। मेरे प्यारे दोस्तों, हाइनास का बिहेवियर काफी सोशल होता है, और ये भी ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में ही शिकार करते हैं। हाइनास के झुंड को क्लेन कहा जाता है। हाइनास के एक क्लेन में 6 से लेकर 100 तक हाइनास हो सकते हैं। हाइना का क्लेन जितना बड़ा होता है, ये उतने ही बड़े जानवर को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन अगर कोई क्लेन छोटा है तो ये अक्सर छोटे जीव जैसे हिरन और इम्फाला को अपना शिकार बनाते हैं। हाइनास के पास बहुत ही ताकतवर और मजबूत जबड़े होते हैं, जिनके मदद से ये बड़े ही आसानी से शिकार की हड्डियों को तोड़ देते हैं। हालांकि हाइना काफी स्ट्रांग और माहिर शिकारी होते हैं, लेकिन कई बार ये शिकार करने में आलस कर जाते हैं, या फिर कहे तो ये अपनी एनर्जी को बचाने के लिए दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए शिकार को खाते हैं, या फिर उनका शिकार उनसे छीन लेते हैं। यहाँ तक कि हाइना शेर का भी शिकार छीन लेते हैं। एक ग्रुप बनाकर शेर के पास जाते हैं और उसे वहाँ से भगाने पर मजबूर करते हैं। मेल स्पॉटेड हाइनास के क्लेन में फीमेल हाइनास ना सिर्फ बड़े होते हैं, बल्कि ये मेल से ज्यादा डोमिनेंट और एग्रेसिव होते हैं। स्पॉटेड हाइनास के क्लेन में फीमेल हाइनास की रैंकिंग सभी मामले में मेल से काफी ऊपर होती है। नंबर 2, एंट कॉलोनी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा प्रजाति की चींटियां पाई जाती है, और इन सब में एक कॉमन चीज ये है कि चींटियां अकेले नहीं रह सकती, इसीलिए ये हमेशा ग्रुप में रहती है, और चींटियों के ग्रुप को कॉलोनी कहा जाता है। दूसरे जानवरों के ग्रुप मेंबर्स की तरह ग्रुप में रहने वाले चींटियों को अलग अलग ड्यूटीज निभानी पड़ती है। चींटियों के एक कॉलोनी में आमतौर पर 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं, क्लीन फीमेल वर्कर्स और मेल्स। हम आमतौर पर जिन चींटियों को अपने आसपास देखते हैं, वो सारे वर्कर्स होते हैं। उनका काम होता है बाहर जाना और खाने की तलाश करना। जब इन्हें कोई खाने की चीज मिल जाती है, तब ये दूसरे वर्कर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है, और कुछ ही मिनटों के अंदर वहाँ पर सभी वर्कर्स पहुँच जाते हैं। चींटियों की कॉलोनी में इन 3 प्रकार के मेंबर्स के अलावा एक और प्रकार का भी मेंबर होता है, और वो है सोल्जर चींटी। इनका काम होता है रानी की रक्षा करना, अपनी कॉलोनी को डिफेंड करना, और अगर कोई शिकारी जिंदा है तो उसे मारने में वर्कर्स की मदद करना, और अपने कॉलोनी को बड़ा करने के लिए नई जगहों की तलाश करना। नंबर 1, लायन प्राइड्स। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया के सभी बड़ी बिल्लियों के प्रजाति में शेर ही एक ऐसी प्रजाति है जो काफी सोशल होती है, और वह हमेशा ग्रुप में रहते हैं। शेर के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। प्राइड की वजह से शिकार करना इनके लिए काफी आसान हो जाता है। अकेले शिकार करने के मुकाबले प्राइड में शिकार करना इनके लिए कम खतरनाक होता है। लायन के एक प्राइड में 3 से लेकर 30 से भी ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें 3 से 4 मेल, 10 से 12 फीमेल और कई सारे बच्चे भी शामिल होते हैं। शिकार करते समय प्राइड के हर एक मेंबर को अलग अलग ड्यूटीज निभानी पड़ती है। आमतौर पर प्राइड में मौजूद फीमेल्स ज्यादातर शिकार को अंजाम देती है, क्योंकि फीमेल लायन मेल की तुलना में साइज में छोटे होते हैं और इनका वजन भी कम होता है, इसीलिए ये मेल से ज्यादा फुर्तीले और तेज होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि
एक फीमेल लायन मेल की तुलना में करीब 30% ज्यादा फास्ट होती है। इसीलिए भी किसी शिकार को अंजाम देना होता है तो फीमेल लायन सबसे आगे होती है। मेल लायन या फिर कहे अल्फा मेल सबसे पहले शिकार को खाते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है और वो ये है कि मेल लायन को अपने प्राइड की रक्षा करने के लिए साथ ही अपने इलाके को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए अक्सर फाइट करना पड़ता है। इसीलिए प्राइड के मेल लायन को हमेशा हेल्दी और स्ट्रांग रहना पड़ता है। जब फीमेल शिकार करती है तब मेल उसके बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। मेल लायन इस बात पर काफी ध्यान देता है कि प्राइड के बच्चे सुरक्षित और हेल्दी रहे, खासकर मेल बच्चे, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर प्राइड की रक्षा में उनकी मदद करेंगे और आखिर में वही बच्चे प्राइड के अल्फा मेल्स लायन बन जाएंगे। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।